इसरो ने अंतरिक्ष में हासिल की एक और कामयाबी, संचार उपग्रह GSAT-30 सफलतापूर्वक किया लॉन्च, 5G सेवा को देगा रफ्तार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा करीब 30 सीटों पर ही बना सकी है सहमति, आज उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा संभव। दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, चुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए उम्मीदवारों के नाम, आज जारी होगी पहली लिस्ट। कांग्रेस को मजबूत बनाने में जुटी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, झारखंड के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को दिल्ली किया तलब, आज विधायकों संग कैबिनेट विस्तार को लेकर करेंगी चर्चा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर हंगामे के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं केंद्र सरकार, केंद्र ने चर्चा के लिए आज बुलाई मीटिंग, बैठक में शामिल होने से CM ममता बनर्जी का इनकार। निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर आज फिर होगी सुनवाई, आज ही फांसी की नई तारीख होगी तय। भारतीय जनता पार्टी ने की कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा, कई प्रदेशों में पुराने अध्यक्षों पर भरोसा, आज होगा औपचारिक ऐलान। IRCTC की दूसरी निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस आज अहमदाबाद से मुंबई के लिए होगी रवाना, रेल मंत्री पीयूष गोयल दिखाएंगे हरी झंडी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज, राजकोट में आमने सामने होंगी दोनों टीमें, पहले मैच में भारत की हुई थी हार। शीतलहर की चपेट में आया पूरा उत्तर भारत, दिल्ली राजस्थान और UP में बारिश ने बढ़ाई सर्दी, पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू, अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में शुरू हुई सुनवाई, चीफ जस्टिस जॉन ग्लोवर रॉबर्ट्स जूनियर ने पढ़े आरोप। चीन के 70 सालों के विकास पर फिल्म का बर्मी संस्करण जारी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की म्यांमार यात्रा से पहले फिल्म को किया जारी। ICJ में पाकिस्तान को मात देने वाले भारतीय वकील हरीश सालवे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ब्रिटेन की महारानी ने सलाहकार नियुक्त किया, 16 मार्च को संभालेंगे क्वीन काउंसलर का पदभार। हिंद प्रशांत पहल का मकसद क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकने वाला बताने के लिए अमेरिका और भारत ने रूस की आलोचना की, कहा पहल का मकसद किसी को अलग थलग करना नहीं। विदेशों से आयात को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, कहा मलेशिया और तुर्की से आयात पर अंकुश का नहीं है कोई विचार। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के GDP ग्रोथ अनुमान को घटाया, वित्त वर्ष 2019-20 में 5.7% के ग्रोथ का अनुमान, पहले UN ने 7.6% ग्रोथ का लगाया था अनुमान। फरवरी की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है Xiaomi Mi 10 Pro, साथ ही मिल सकता है 108 MP प्राइमरी सेंसर। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी गिरावट का सिलसिला जारी, आज दिल्ली में 14 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम में भी 15 पैसे की गिरावट दर्ज। डॉलर के मुकाबले आज गिरावट के साथ खुला रुपया, 6 पैसे की गिरावट के बाद 70.99 रुपये के स्तर पर खुला रुपया। और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 59 अंकों की गिरावट के साथ खुला, वहीं निफ्टी ने 28 अंकों की गिरावट के साथ की कारोबार की शुरुआत।